अरे ओ सांभा, कितने पैसे दिए इस मोबाइल के रे? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। क्या सुनोगे महारथी फोन मा? उड़ान आइडल। उड़ान आइडल? ये उड़ान आइडल किस चिड़िया का नाम है रे? संगीत का जादू सबके सर पर चढ़ के बोलेगा, किसी का सुर लगेगा और किसी का सुर ढोलेगा। किसकी होगी जीत और कौन खाएगा मात, ये सिर्फ वक्त ही बोलेगा। अब आएगा मजा खेल का। इंटरनेट रेडियो पर संगीत का महामुकाबला उड़ान आइडल, 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से रेडियो उड़ान पर। गब्बर भी सुनेगा ये उड़ान आइडल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudaan.com। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं। इस हम लेक्चर के अंतर्गत हम कंसीडर करेंगे प्रीवियस इयर्स के कुछ क्वेश्चंस पर। कुछ कठिन भी होंगे, कुछ सिंपल भी होंगे, लेकिन हमारा मकसद है उन्हें सॉल्व करना और बेहतर तरीके से सॉल्व करना, सही नियत समय में सॉल्व करना। ठीक, चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू दे रहा है 2:4। ए रेशियो बी की वैल्यू क्या दे रहा है? 2:4। बी रेशियो सी की वैल्यू है 4:5। ओके, और सी रेशियो डी की वैल्यू है 6:7। ए बी का रेशियो है 2:4 का, बी सी का रेशियो है 4:5 का, और सी और डी का रेशियो है 6:7 का। राइट, आपसे पूछ रहा है ए रेशियो डी बताओ, ए और डी में क्या रेशियो होगा। याद रहे, कई लोग इसमें ये गलती कर जाते हैं मानते हुए कि भाई ए रेशियो बी में का रेशियो 2:4, तो मान लेते कि ए की वैल्यू 2 होगी और सी और डी में रेशियो दे रहा है 6:7 का, डी की वैल्यू 7 होगी और आंसर अगर ऑप्शन में मिल जाए 2:7, उसको मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ए रेशियो बी का मतलब है 2:4, इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि ए बराबर 2 है या बी बराबर 4 है। ठीक है, इतना समझना चाहिए। हो सकता है हो, लेकिन है या नहीं अभी हमें पता नहीं है, सिंपल सी बात ये होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। मैंने आपको ये तरीका बताया है, लेकिन अब तक 3 डिजिट में बताया था ए रेशियो बी और बी रेशियो सी आपको दे रहा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बी को इक्वल कर लो, जो आपकी संख्या इक्वल हो या कॉमन हो उसको इक्वल कर लिया जाता है और आंसर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या ये प्रश्न ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। पहला ऑप्शन है 4:13। अगर हम 4:13 को कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसे समझिए इसको कि यहां पर ए रेशियो बी क्या दे रहा था? 2:4, यानी कि ए वो संख्या होगी जो 2 या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ए की जो वैल्यू आएगी वो 2 या 2 से डिविजिबल होगी, और इसी तरह से डी की जो वैल्यू आएगी वो 7 या 7 से डिविजिबल होगी, क्योंकि सी और डी का रेशियो क्या है? 6:7, तो डी की वैल्यू 7 या उससे डिविजिबल होगी। पहला ऑप्शन क्या था आपका? 4:13। देखिए 4 तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 13 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका 7:24। देखिए 7 इसमें 2 से डिविजिबल नहीं है और 24 7 से डिविजिबल नहीं है, ये आंसर भी नहीं हो सकता आपका। तीसरा ऑप्शन है आपका 8:22। 8:22 में 8 तो आपका 2 से डिविजिबल है,
लेकिन 22/7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं 12:35, 12 आपका 2 से डिविजिबल है और 35 आपका 7 से डिविजिबल है, यानी कि यह आंसर इन चारों ऑप्शन में हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी क्या बनती है, इस क्वेश्चन को प्राइमरी मेथड से भी सॉल्व करके देखा जाए। ठीक है, ए और बी का रेशियो दे रहा था आपको 2:4, बी और सी का रेशियो दे रहा है 4:5। पहले इन दोनों रेशियो को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो देखिए बी की दोनों में बी कॉमन है, और कमाल की बात यह है कि दोनों में बी की वैल्यू भी बराबर है। ठीक है, ए रेशियो बी में 2:4 है, जहां बी की वैल्यू 4 हो गई। बी रेशियो सी चूंकि 4:5 है, यहां भी बी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू बराबर है, यानी कि हम इन तीनों को बराबर कर सकते हैं, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी की का रेशियो हो जाएगा 2:4:5। क्लियर है, 2:4:5 का रेशियो ए बी सी के मध्य हो गया। अब सी और डी का रेशियो क्या दे रहा है, 6:7। दोनों में सी कॉमन है, लेकिन एक तरफ सी की वैल्यू 5 दे रहा है, दूसरी तरफ 6 दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सी की वैल्यू को बराबर करना होगा। देखिए आपका 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 30। ठीक है, तो अब आपको 5 को 30 बनाना हो तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, 6 का। तो एबीसी का जो रेशियो था आपका 2:4:5, इस पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 12:24:30। क्लियर है। अब सी रेशियो डी के दे रहा है 6:7, यहां सी की वैल्यू 6 है, इसको भी 30 में कन्वर्ट करना है। 30 में कन्वर्ट करोगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, 5 6 30 होता है। तो सी और डी का जो रेशियो है 6:7, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 30, सी की वैल्यू 30 आ गई, बराबर है, और 5 7 35, डी की वैल्यू 35 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई थी, 12, डी की वैल्यू कितनी आई है, 35। तो ए और डी का रेशियो पूछ रहा था आपसे, ए रेशियो डी हो जाएगा आपका 12:35। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो बेहतर मेथड है। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं, आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। प्रतिभा की पहचान प्रज्ञा की मुस्कान। सबलांगों का साथी ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudaan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudaan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। This world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है, जिसका नाम है इनसाइट।
इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रूपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, देखता हूं आप लोगों को याद है या नहीं कैसे करते इस तरह के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है आपका 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है, मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है। प्लीज फर्स्ट सॉल्व कीजिए इसको। 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या है, मेरे लेक्चर को यहीं ब्रेक कीजिए, यहीं रोकिए और सॉल्व कीजिए प्लीज। आपकी यहीं से प्रैक्टिस जनरेट होगी। ओके यार, ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते, और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.godfoodtalks.in दैट इज goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। कहाँ से आ रही हो, बड़ी खुश लग रही हो? बैंक का एग्जाम देकर आई हूँ। बहुत अच्छा हुआ यार आज तो। क्या, बैंक का एग्जाम? अरे यार, ये बैंक एग्जाम कब होते हैं, कब होके चले जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं लगता। कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो मेरे फोन पर डायरेक्ट मुझे जॉब और एग्जाम अलर्ट्स दे सके। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्नाटका, यहाँ पर आप फोन में जॉब अलर्ट्स की सुविधा ले सकते हैं। वाओ, ये तो बड़ी ग्रेट न्यूज है। Not even this, they provide all essential assistive devices. Influence the state government in formulation and effective implementation of acts and policies. Make schemes governing the upliftment of persons with disability. They have a huge talking cum braille library. मगर यार, इन सारी सर्विस को मैं पाऊंगा कैसे, मैं कनेक्ट कैसे होऊंगा इनसे? अगर आप NFV कर्नाटका से किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनकी ब्रेल लाइब्रेरी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें मिस्टर गौतम अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ NFV कर्नाटका। इनका ईमेल आईडी है nfvkarnataka@gmail.com। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं 09980444655। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.nfvkarnataka.org। NFV Karnataka, bringing a difference to the life of visually challenged. उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, दोनों संख्या का मल्टीप्लाई और अंडर रूट। ये मैंने आपको बताया था, आप लोग भूल गए। 8 मल्टीप्लाई 18 करोगे, हो जाएगा आपका 144, और 144 का आप अंडर रूट करोगे तो हो जाएगा 12। 12 आपका आंसर आएगा। अंडर रूट कैसे निकालते हैं, शायद आप लोगों को ना आ रहा हो, एक बार और समझ लें अंडर रूट को कैसे निकालते हैं। जैसे अंडर रूट 36 है, ठीक है,
तो अपन लोग क्या करेंगे, ये सोचेंगे पहले तो कि 36 किस संख्या का स्क्वायर है, है ना। 36 हमें मालूम है 6 का स्क्वायर है, तो अगर हमसे पूछता है 36 का अंडर रूट बताओ तो 6 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा 6 रह जाएगा। ऐसे 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, अंडर रूट लगा हुआ है 144 के आगे, तो पूछेगा हमसे 144 का अंडर रूट क्या है, तो हमें मालूम है कि 144 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका अंडर रूट हो जाएगा 12, ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से अपन लोग इसको जज करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर्स याद हो, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। इसको निकालने के तरीके और भी होते हैं, लेकिन आप जानते हो कि परीक्षा में आपके पास हर तरीके को आजमाने का प्रश्न का समय नहीं होता, ठीक है, तो जितना समय है आपको उतना ही यूटिलाइज करना है। वैसे इसका तरीका मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे अंडर रूट 36 था आपका, तो 6 के गुणनखंड कर लो, सॉरी 36 के गुणनखंड कर लो, तो आप गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 से जाएगा 36, ठीक है, 18 टाइम्स, फिर 18 2 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 9 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3, तो 2 × 2 × 3 × 3 इसके गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 2 × 3 × 3, दो दुनी 4 या 12 या 36, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब आप देखो कि दो के दो, अब आप जोड़े बनाओ, पेयर बनाओ, तो आपका इसमें दो दो बार है, 2 × 2 में दो है, दो बार है, ऐसे 3 × 3 में का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, दोनों में से एक एक संख्या उठ जाएगी, 2 × 2 में से एक संख्या 2 उठा लो, 3 × 3 में से एक संख्या 3 उठा लो, तो 2 × 3 = 6, इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं, ठीक है। आओ चले आओ, मैं जानता था कि तुम जरूर आओ। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, तो तुम गलत समझ रही हो। रेडियो उड़ान के बारे में जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे पास पहले ही से मौजूद है। शायद तुम्हें नहीं पता कि शाहकाल ने रेडियो उड़ान को सुनना बहुत पहले शुरू कर दिया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में कोई तो एक ऐसी चीज है जिसने शाहकाल को वक्त का पाबंद बना दिया, और वो है रेडियो उड़ान। ये एक ऐसा इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो हमारी दुनिया को आम दुनिया से जोड़ देता है, हमारे थके हुए दिमाग को राहत इसी रेडियो स्टेशन से मिलती है। मैं अपनी टीम के तमाम मेंबरान को ये ताकीद करता हूं कि वो अपनी फुर्सत के लम्हों में रेडियो उड़ान जरूर सुना करें और लॉग इन किया करें www.radioudaan.com पर। मेरा ख्याल है कि ये बात आप सबकी समझ में अच्छी तरह आ गई। गुड बाय जेंटलमैन, हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स।
ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रूपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजे लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ, एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका यह है, तीन संख्याओं का टोटल है 98। तीन संख्याओं का टोटल दे रहा है आपको 98। पहली से दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3। मतलब ये मान के चल लीजिए तीन संख्या आपकी एबीसी है जिनका टोटल है 98। ठीक है, ए और बी का रेशियो आपको दे रहा है 2:3 और बी और सी का रेशियो आपको दे रहा है 5:8। तो आपको बताना है वी की वैल्यू क्या होगी। ए और बी का रेशियो 2:3, बी और सी का रेशियो 5:8, तो बी की वैल्यू बतानी है। चलिए ए और बी दे रहा है आपको रेशियो में, बी और सी दे रहा है, तो क्यों ना ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला जाए। 2:5 और 5:8 है, बी दोनों में कॉमन है, एक जगह बी की वैल्यू 3 है, एक जगह 5 है, हमें बी की वैल्यू को बराबर करना है। 3 और 5 का ले लो एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा क्या 15। ठीक है, 3 को 15 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2:3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 10:15। ठीक है, दूसरी तरफ आपका रेशियो है 5:8, 5 को 15 बनाने में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 5:8 में कर दो, 15:24। तो आपके सामने क्या हो गया 10:15:24, क्योंकि 15 आपका बी की वैल्यू होगी, दोनों तरफ बराबर हो गई, तो उसको मर्ज कर देंगे, एक ही जगह पे लिखेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। 10:15:24 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए कैसे निकालते हैं हम, किस संख्या को टोटल में किस चीज का डिवाइड करेंगे, रेशियो के टोटल का, जो आपका तीन संख्याओं को टोटल 98 दे रहा था, रेशियो के टोटल का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 + 15 + 24 कितना हो जाएगा 49। तो 98 में 49 का डिवाइड करो, और किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की, बी के को कौन डिनोट कर रहा है 15, तो 15 / 49 मल्टीप्लाई 98, ये करेंगे 49 से 98 जाएगा 2 times, तो 15 × 2 क्या हो जाएगा 30। 30 आंसर आ जाएगा वी की वैल्यू का। समझिए हमने कैसे किया, तीन संख्याओं का योग दे रहा था 98, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दे रहा था 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दे रहा था 5:8, हमने देखा दोनों में बी कॉमन है यानी कि दूसरी संख्या कॉमन है, एक जगह पर दूसरी संख्या की यानी कि वी की वैल्यू थी 3, एक जगह पर थी 5, दोनों को बराबर करना था, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 15, तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी के रेशियो में, तो 2:3 कन्वर्ट हो गया 10:15 में। ऐसे 5:8 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, क्योंकि हमें 5 की वैल्यू को 15 तक कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो हो गया आपका 15:24। अब हमने इनको मर्ज कर दिया, तो एबीसी का रेशियो आ गया 10:15:24। ठीक है, हमें मालूम था कि तीनों संख्याओं का योग है 98,
हम जानते हैं कि रेशियो के टोटल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 98 डिवाइड बाई 49, रेशियो का टोटल 10 प्लस 15 प्लस 24 मिलाकर आ गया था 49, 98 डिवाइड बाई 49, और जिस संख्या का निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू निकालनी थी, बी को डिनोट कर रहा है 15, तो 15 का मल्टीप्लाई हो गया, 49 से 98 काटा 2 टाइम्स, 15 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 30 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए और प्रश्नों के साथ अपन लोग हाजिर होंगे। मेरा टावल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय राजनीति पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है गाने शाने, अरे गुड न्यूज। और नहीं तो क्या यार, मेरा UPSC में सिलेक्शन हो गया। ओह रियली, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा इसी फोन का कमाल है, शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इन्फॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजे द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले, और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेएस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हम लोग रेशियो प्रपोर्शन कर रहे हैं, उसी क्रम का यह रेशियो प्रपोर्शन का अंतिम पार्ट रहेगा। ये अंतिम पार्ट कहने का सेंस ये नहीं है कि आपका इस टॉपिक से पीछा छूट जाएगा, ये टॉपिक आने वाले टॉपिक्स में आपकी मदद करेगा, तो वहां भी इसका एक तरीके से रिवीजन आपका होता रहेगा। ओके, बेसिक चीजों को लेकर हम इस टॉपिक को आज अंत करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर मैं इस लेक्चर में 6 क्वेश्चंस कवर करूंगा। ठीक है, और 6 क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके के होंगे, टोटल इस चैप्टर को रिवाइज भी कर रहे होंगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए पेपर्स ही होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर हो, चलिए mn हटा देते हैं, p का 10% q के 20% के बराबर हो तो p रेशियो q क्या होगा? बहुत ध्यान से समझिए, आप परसेंटेज टॉपिक कर चुके हैं इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। P का 10% कितना हो जाएगा? P मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। ठीक है, यानी कि P बाई 10, 10 से 100 10 टाइम्स कट जाएगा तो P बाई 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या दे रहा है, Q के 20% से।
तो q मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, 20 से 100 कटेगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो p अपॉन 10 इज इक्वल टू q अपॉन 5, 25 जो 100 हो गया था, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, या फिर आपको क्या प्राप्त करना है वो सीधे सीधे निकाल लो, आपको p अपॉन q प्राप्त करना है। क्रॉसिंग करोगे, ठीक है, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से समझ लेते चले, आपने वही चीज समझी हुई है अभी तक। तो 5 का मल्टीप्लाई p में होगा, 5p इज इक्वल टू 10q, 10 का मल्टीप्लाई q में होगा, p अपॉन 10 इज इक्वल टू q अपॉन 5 था, ठीक है। तो p का मल्टीप्लाई 5 में होगा, q का मल्टीप्लाई 10 में होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझिए, अब आपको q को p की तरफ ट्रांसफर करना है, ठीक है। 10q है, मल्टीप्लाई की फिगर है, दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो p अपॉन q इज इक्वल टू, अब 5 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे, 5 मल्टीप्लाई p है, दूसरी तरफ जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी 10 अपॉन 5, p अपॉन q इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 से 10 काटोगे 2 टाइम्स, 2 अपॉन 1 हो गया, तो p अपॉन q या p रेशियो q क्या हो गया, 2:1, क्लियर है। P का 10% Q के 20% के बराबर है, P रेशियो Q प्राप्त करना था, हमने P का 10% निकाल लिया तो P अपॉन 10 हो गया, और Q का 20% निकाला तो Q अपॉन 5 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 5P बराबर 10Q हो गया था। अब P अपॉन Q चाहिए था, Q को हमने दूसरी P की साइड में लाए तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 हुआ, यानी कि 2 अपॉन 1 हो गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 6200 रुपए को, 6200 रुपए को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के रेशियो में बांटिए। 6200 यानी कि 6200 रुपए है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के रेशियो में आपको बांटना है। आप जानते हैं इसको कैसे करना है, 235 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 30 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, तो 30/2 15 हो गया, 30/3 10 हो गया, 30/5 6 हो गया, क्लियर है। तो 15:10:6 आ गया, हमने क्या किया, एलसीएम का मल्टीप्लाई रेशियो में कर दिया। तो 1/2 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाएगा, 1/3 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, 1/5 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। जो एलसीएम आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो क्या बना आपका, 15:10:6। अब आपको आता है कैसे करना है, रेशियो को ऐड करो, ठीक है, रेशियो को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15, 10, 25 और 6, 31, 31, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो किसमें से, तो टोटल आपके अमाउंट है 6200 में आप 31 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा निकाल लीजिए, 200 आएगा। अब इस 200 को आप 15:10:6 में बांट दीजिए, मतलब बांट दीजिए मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 × 200 करोगे तो 3000, 10 × 200 करोगे तो 2000, 6 × 200 करोगे तो 1200। हमने कोई स्पेशल नहीं किया है, आपको मालूम है जो संख्या प्राप्त करनी होती है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है और रेशियो के टोटल का डिवाइड हो जाता है पूरी संख्या से, ठीक है। अगर आपको 15 वाली संख्या निकालनी है, यानी पहली संख्या निकालनी है, तो 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 6200 डिवाइड बाई रेशियो का टोटल जो है 31, ठीक है। इस तरीके से आप जब निकालोगे 3000 आ जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से निकाल लो, या फिर रेशियो का आप टोटल करके उसको डिवाइड करके जो हमने 200 निकाली, 200 को मल्टीप्लाई रेशियो की संख्याओं में कर दो, तो आपका आंसर कैसे भी आप निकाल सकते हो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या क्या आंसर आ गया, 3000, 2000 और 1200। सिंपल हमने क्या किया, जो 1/2, 1/3, 1/5 दे रहा था, हमने इसका एलसीएम लिया और एलसीएम की संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि 1/2 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आपके रेशियो दे रखे थे, तो हमने इसको नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये काम किया है, ठीक है।
मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूँ। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के, ओ जा धीरे जाए राहे हम संग हैं, ना जा कहीं अब ना जा, ये है तेरे करम कभी खुशी कभी गम, तेरे बिना नहीं जीना मर जाना ढोलना। डान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बदलता तू जो बदलेगा समाज की सोच, बदलता तू जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक, बदलता दूं जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दूं डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान इज एन ओनली रेडियो स्टेशन विच प्रोवाइड्स factual information. I am inspired by Radio Udaan and what about you? अगला क्वेश्चन है आपका, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के मूल्यों का योग है 210 रुपए। याद रखना सिक्के का टोटल नहीं दे रहा है, सिक्के का मूल्य बता रहा है 210 रुपए, ठीक है। और सिक्कों का रेशियो है 5:6:8, 5:6:8 ये सिक्कों का रेशियो है। तो आपको बताना है 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। हम तीनों ही पता कर लेंगे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिक्कों का रेशियो दे रहा है 5:6:8। आपको मैंने ये वाला बताया था कैसे करते हैं। देखिए 1 रुपए के सिक्के का मूल्य 1 रुपया ही होगा, लेकिन 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य हम कह सकते हैं ना 1/2 रुपया, और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या बोलेंगे 1/4 रुपया। क्लियर है? ओके, तो अब आपका मूल्य क्या आया, 1 रुपए के सिक्के का 1 रुपया, 50 पैसे के सिक्कों का 1/2 रुपया, और 25 पैसे सिक्कों का मूल्य आया 1/4 रुपया। अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपका रेशियो होता है इसमें आप मूल्य के हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। रेशियो था आपका 5:6:8, 5 में मल्टीप्लाई 1 करोगे 1 ही रहेगा, क्योंकि भाई 1 रुपए के सिक्के का मूल्य 1 रुपया ही है,
लेकिन 6 में आप किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे 1/2 का, क्योंकि 6 किसको नोट कर रहा है 50 पैसे के सिक्कों को, तो मूल्य क्या हो जाएगा 6 × 1/2 यानी कि 3। ऐसे 8 किसको डिनोट कर रहा है 25 पैसे के सिक्के को, तो 8 में मल्टीप्लाई किसका होगा 1/4 का, तो कितना हो जाएगा ये 2, 8/4 2 हो गया। तो नया रेशियो क्या आ गया आपका 5:3:2। ठीक है, अब आप क्या करें, मूल्यों का योग दे रहा है 210 और जो रेशियो है उसका टोटल क्या आया 5 × 3 = 8 × 2 = 10, उसका डिवाइड कर लें 210 में आप 10 का डिवाइड करेंगे 21 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है देख लीजिए, आपको बताना है 1 रुपए के सिक्के भाई 21 आया ना, आपने जब रेशियो के डिवाइड कर दिया 10 का जब डिवाइड किया 21 हो गया, 21 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 105 हो गया 1 रुपए के सिक्के की संख्या, 1 रुपए सिक्कों का मूल्य। ठीक है, 21 में 3 का डिवाइड करोगे सॉरी 21 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आ जाएगा 50 पैसे के सिक्के का मूल्य, और पूछी जाए 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो आप जानते हैं कि 63 रुपए में 2 50 पैसे सिक्के बनेंगे, तो 63 रुपए में 63 × 2 = 126। अब आपसे तीसरी है 2, 5:3:2। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को का मूल्य को दर्शा रहा है, 21 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 42, 1 रुपए में 4 25 पैसे सिक्के बनेंगे तो 42 × 4 कर दोगे तो आ जाएगा आपका ये 168 सिक्के होंगे 25 पैसे के। ठीक है, हमने कैसे किया वो समझ लीजिए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रहा था, उनका मूल्य बता रहा था रुपए का 210 रुपए, सिक्कों की संख्या थी 5, 6 और 8 के रेशियो में, हमने क्या करा मूल्य निकाला 50 पैसे के सिक्के का मूल्य हो गया 1/2 रुपया, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य हो गया 1/4 रुपया, उसको हमने इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 रुपए के सिक्के तो आपके जो 5 का रेशियो था 5, 6, 8 में 5 1 को डिनोट कर रहा है, 1 रुपए के सिक्के का मूल्य 1 रुपया तो 5 ही रहा, 6 का हमने 6 में मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 और 8 में मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 का, इससे हमारा क्या हुआ मूल्य मालूम पड़ गया, क्या रेशियो बन गया फिर हमारा 5:3:2 और इसको हमने फिर बांट दिया। ठीक है, दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़े आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार, आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून, बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. मेरा टावल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू डेली पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा मुझा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहां से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढूं? काश आपने समय पर रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता।
ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में 3:2:5 का रेशियो है और उनके स्क्वायर का टोटल है, वर्ग का योग है 1862, तो हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। हम तीनों ही निकालेंगे, ठीक है। तीन संख्या है वो 3:5 के रेशियो में है, उनके स्क्वायर का टोटल दे रहा है 1862 और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, या तीनों संख्याओं को पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे वो समझ लीजिए। आपकी तीन संख्या क्या क्या है, 3, 2, 5, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे एक चीज बताइए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। आपका न्यू रेशियो क्या हो गया, स्क्वायर का रेशियो क्या हो गया, 9, 4, 25, ठीक है। बस आप क्या क्वेश्चन सॉल्व, रेशियो को ऐड करो, 25 और 9, 34 और 4, 38। रेशियो के टोटल को आप जो वर्गों का योग है टोटल उससे डिवाइड कर दो, 1862 से आप डिवाइड कर दोगे 38 को, ठीक है। कितना आएगा, कितना आया ये संख्या, 49 आएगा। 1862 को जब आप 38 से डिवाइड करोगे, वो आप करके देखिएगा 38 से डिवाइड, ठीक है, 49 आ जाएगा। अब आप समझिए एक चीज को, 49 आपका आया जब हमने क्या किया, 1862 का डिवाइड कर दिया उस संख्या से। अच्छा अब हमने जो रेशियो था हमारा 3:5 का, हमने इसको स्क्वायर का रेशियो बनाया था क्योंकि हमारी क्वेश्चन की डिमांड हो रही थी, क्योंकि हमारे सामने स्क्वायर का टोटल दे रहा था, स्क्वायर का टोटल दे रहा था। अब आप समझिए, अब 49 आपका तब आया जब आपने क्या किया, इनके स्क्वायर के टोटल को के रेशियो को ऐड करके 1862 से डिवाइड किया, ठीक है। आपकी संख्या क्या बनेगी, पहली संख्या बन जाएगी, पहली संख्या क्या बनेगी, 9 × 49, दूसरी संख्या क्या बनेगी, 4 × 49, और तीसरी संख्या क्या बनेगी, 25 × 49। यहां तक क्लियर है, ओके। 9 × 49, 4 × 49 और 25 × 49, ये तीन संख्या आपकी बनेंगी। इसी तरीके से हम निकालते हैं सवाल को। अब क्या है कि जो आपकी संख्या आएंगी इसका आपका स्क्वायर रूट लेना होगा, क्योंकि ये संख्या आपकी स्क्वायर में है, ठीक है। हमको क्या बताना है, संख्याएं समझिए क्यों। आपका क्या था, 3:5 का रेशियो था तीन संख्याओं में, उनके स्क्वायर का टोटल था 1862, लेकिन संख्या तो आपके 3:5 के रेशियो में ही है ना, ओके। फिर हमने इनका स्क्वायर करके फिर हमने निकाला, वो अलग चीज है। तो आपकी संख्या क्या बनी, 9 × 49। हम लोग करते क्या है, रेशियो का टोटल किया उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो संख्या आती है, जैसे हमें पहली संख्या चाहिए है तो पहली संख्या 9 है, 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा रेशियो के टोटल का डिवाइड और टोटल संख्या का डिवाइड, यही तो होता है। तो तीन संख्या आपकी कौन कौन सी आ गई, 9 × 49, 4 × 49, 25 × 49। अब आपको इन संख्याओं का अंडर रूट लेना होगा। 9 × 49 का जब आप अंडर रूट लोगे तो 9 का अंडर रूट होगा 3 और 49 का अंडर रूट होगा 7, तो 3 × 7 आएंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। या आप 9 का मल्टीप्लाई 49 में कर लीजिए, ओके। तो ये आपका आएगा 441, 441 का आप अंडर रूट लोगे तो 21 हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, या तो आप क्या करो 9 का मल्टीप्लाई 49 में कर लो पहले, तो 441 आएगा, 441, और 441 21 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 21। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 49 में, 196 हो जाएगा। 196 किसका होता है स्क्वायर, 14 का।
तीसरा क्या है, 25 का मल्टीप्लाई आप 49 में कर सकते हो, ओके। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको 25 का अंडर रूट लो 5 आ जाएगा, 49 का अंडर रूट लोगे 7 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 35 आपका टोटल आ जाएगी संख्या। तो इस तरीके से आपके तीन संख्या कितनी कितनी आ गई, 21, 14 और 35। क्लियर है? हमने क्या किया, बहुत सिंपल किया है, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तीन संख्या थी 3 to 5 के रेशियो में, उनके स्क्वायर का टोटल दे रहा था 1862। हमने क्या किया, तीनों संख्याओं का स्क्वायर कर दिया और उनका रेशियो निकाल दिया। 3 to 5 का हमने स्क्वायर किया 9, 4 और 25, ठीक है। इनके स्क्वायर का रेशियो था उनको हमने ऐड कर दिया, इनकी 9, 4, 25 को ऐड कर दिया, 38 हो गया था। 1862 में से डिवाइड किया 38 को, 49 आ गया, ओके। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, यहाँ अगर आपको शॉर्ट करना था क्वेश्चन को तो ये कर सकते थे, जो आपको 49 आया तो 49 का अंडर रूट निकाल दो, केवल कितना आएगा 7। अब 7 का मल्टीप्लाई 3:2:5 में कर दो, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 21, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 14 और 7 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 35। यहां पे आप सीधे सीधे ही वो भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको सूटेबल लगे आप इस तरीके से सवाल को परफॉर्म कर सकते हो। रेडियो उड़ान इज अ ट्रेजर ऑफ एंटरटेनमेंट। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्निल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुखाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह, मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मी आरजे निशा इज हियर विद द शो बुक वर्ल्ड। मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। आई एम इंस्पायर्ड बाय रेडियो उड़ान एंड व्हाट अबाउट यू। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शामे गजल के तमाम सामईन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मुकाम दिया। पिछले चंद सालों में इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शामे गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12, और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू, और सुनते रहिए शामे गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार है। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात है 10:7, मतलब 10 रुपए की आय है और
उसमें 7 रुपए का व्यय है, क्लियर है। मतलब कोई व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा है तो 7 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो रही होगी, 3 रुपया, ठीक है। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात है 10:7। यदि उस परिवार का व्यय यानी कि परिवार का एक्सपेंडिचर कितना हो, 10,500 रुपए हो, तो बचत कितनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। परिवार की कुल आय कितनी दे रहा है, आय व्यय का रेशियो क्या दे रहा है, 10:7। टोटल व्यय कितना बता रहा है, 10,500, और पूछ रहा है कि भाई कितने रुपए की बचत होगी, क्लियर है। अच्छा, 10 क्या शो कर रहा था आपकी आय को, और 7 क्या शो कर रहा है आपके व्यय को, और 10,500 क्या शो कर रहा है आपके व्यय को, क्लियर है। यानी कि 7 की वैल्यू है ना 10,500, अगर आपको 7 को 10,500 में कन्वर्ट करना है तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि 10,500 हो जाए, तो 10,500 डिवाइड बाई 7 कर दो, कितना आएगा आपका, 1500 आएगा, ठीक है। अब 1500 का मल्टीप्लाई 10 में कर दोगे कितना हो जाएगा, 15,000, यानी कि परिवार की आय हो जाएगी 15,000 और व्यय हो गया 10,500, तो बचत कितनी हो जाएगी, 15,000 माइनस 10,500, 4,500 रुपए की बचत हो जाएगी। आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन किए हुए हैं लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए समझ लीजिए कैसे किया। एक परिवार की आय एवं व्यय का रेशियो दे रहा था 10:7, यहां तक क्लियर है, और बता रहा था कि व्यय की राशि है 10,500 रुपए, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर यहां पर 7 है, 10:7 में 10 आय को बता रहा है, 7 व्यय को बता रहा है, और बता रहा है कि यदि उस परिवार का व्यय है कुल मिलाकर 10,500 रुपए, तो 7 की वैल्यू ही तो 10,500 है भाई। 7 आपका रेशियो में व्यय है और टोटल व्यय बता रहा है 10,500, यानी कि 7 की वैल्यू ही तो 10,500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 10,500 डिवाइड बाई 7 कर दोगे तो 1500 1 की वैल्यू हो गई, 10 रुपए आए है, तो 10:7 में 10 आय को डिनोट कर रहा है, 10 का मल्टीप्लाई आप 1500 में कर दोगे कितना हो जाएगा, 15,000, और 7 का मल्टीप्लाई 1500 में करोगे तो 10,500 जो कि व्यय है, और 1500 को मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 15,000, 15,000 की आपकी आय हो गई, 10,500 का आपका व्यय हो गया, तो बचत कितनी हो गई, 15,000 माइनस 10,500 आपके हो गए 4,500 रुपए, क्लियर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इस टॉपिक का। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो इन दो संख्याओं में क्या रेशियो होगा, ये पूछ रहा है। मतलब दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। अच्छा, हमने माना कि तीसरी संख्या 100 है, 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 20% अधिक से, 120, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 50% अधिक से, 150। बस आपको इन दोनों संख्या को रेशियो बताना था, 120 डिवाइड बाय 150 कर दो, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 4 12 और 3 5 15, 4:5 का रेशियो हो गया। फिर समझ लीजिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, तो उन दो संख्याओं में क्या रेशियो है, ये पूछ रहा था। हमने माना कि तीसरी संख्या 100 है, 100 है, तो पहली संख्या 20% अधिक के नाते हो गई 120, दूसरी संख्या 50% अधिक के नाते हो गई 150, 120 डिवाइड बाय 150, क्योंकि दोनों संख्या को अनुपात पूछ रहा है हमसे, 120 डिवाइड बाय 150 कर दिया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया और 3 4 12 किया, 3 5 15 किया, 4/5 यानी कि 4:5 का रेशियो आ गया। उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, आपको एक तरीके से समझ भी आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, और यदि कहीं भी आपको लग रहा है दिक्कत हो रही है इस सवाल को सॉल्व करने में, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।